हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं आटा, तंदूरी आटा। सबको तो मालूम है, मगर हम लोग का होटल में कैसे आटा बनता है आप लोग देखिए। पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए, देखते जाइए। आप लोग देखिए, ये देखिए, हम लोग अभी चीनी डाला और नमक डाला, तो आटा माव में कैसे हम लोग तंदूर का आटा माव मारते हैं आप लोग देखिए। बहुत सब लोग इजी मारते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग देखते जाइए कैसे हम लोग मारते हैं, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, पानी डाल रहा हूं। ये देखिए, अभी गोल्ड विनर ऑयल डाल रहा हूं। तेल डालने से थोड़ा सॉफ्ट होता है इसमें आटा में। ये देखिए, हम लोग मैदा डाल रहा हूं। आटा मारने के लिए मैदा देना पड़ेगा, नहीं तो कलर नहीं आएगा। जितना भी आप आटा डाल रहे हो उसका 20% आपको मैदा डालना है। अभी हम लोग एक हिसाब से उतना तो ये नहीं है, हम लोग 1.5 किलो तक आटा डाला, ये मैदा डाला। तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे मैदा, कितना डाल रहे हैं आप लोग देखिए, सॉरी आटा कितना डाल रहे हैं। आटा हम लोग अभी थोड़ा नमक कम है, इसलिए नमक कम लगा। तो अभी हम लोग डाल रहे हैं आटा, 1.5 किलो मैदा में हम लोग 5 किलो आटा डालेंगे। ये देखिए, 5 किलो आटा पूरा है, पूरा डाल दिया। अभी इसको अच्छा से मिक्स करेंगे हम लोग। दो हाथ में आप लोग मिक्स करना है अच्छा से। आटा में ज्यादा मालिश नहीं करना पड़ेगा, क्यों ना देखिए हम लोग ऑयल डालते हैं, थोड़ा रोटी सॉफ्ट भी होता है और मालिश करने का उतना जरूरत नहीं। एक बार अच्छा से ये कर दिया तो बहुत सारे भाई लोग ऐसे ही मारते हैं, नमक देके नहीं मार सकते आप लोग। इसका तरीका होता है आटा मारने का, आप लोग देखिए। ये देखिए, अभी अच्छा से इसको मिक्स कर रहा हूँ अच्छा से नीचे से। मिक्स करने के बाद में इसको हम लोग अभी देखिए इसको मिक्स कर लिया अच्छा से, नीचे भी रहना नहीं चाहिए। ये देखिए कैसे हम लोग हो जाने के बाद में हल्का सा इसको मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद में इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे हम लोग। अभी देखिए हम लोग मालिश कर रहे हैं, ये देखिए पलट दिया कैसे है, देखिए जबरदस्त है। अभी इसको आधा घंटा ऐसे छोड़ देंगे, आधा घंटा बाद में फिर इसको दो चार लगा के बस आटा कंप्लीट हो गया। आप लोग तो मेन रेसिपी भी देख लिए हैं। आप लोग पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए।